मेरा मानना है कि यदि हम अपने दुष्ट राजनेताओं से कहेंगे तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी दूसरे के हाथ की कठपुतलियां हैं। तो इसलिए जो है, हमें देश को बदलने के लिए और ऐसे राजनेताओं को बदलना ही होगा जिन्होंने गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है। ये तो करना ही होगा, अब उल्टा संभव नहीं है। इनको बिल्कुल आप ठीक बोल समझा रहे के हो। यदि हाथ जोड़ के एकाध कोई चीज करा भी लोगे तो भी उसमें ये अपना फायदा ही खोजेंगे और ये उस चीज से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, राइट? तो ये जो हमें वही हमें बेटे पूरा इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ सर, ये एक ऐसी कड़ी है जो सर का बताया है मैंने। हाँ, ऐसे ही हम लोग 10-12 सालों से कुछ अनजान और अच्छे लोगों से मिल रहे हैं जिनकी आप भी उनकी जानकारी आप कम है। क्या हम जो है उनसे वीडियो बेस्ड डिस्कशन करके कुछ जो है आगे के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं क्या? सर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, वो विदेशी कंपनियां रिसर्च करके हमें बता रही हैं, हमें बता रही हैं कि आपके यहाँ यूरिया डल रहा है या आपके यहाँ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बन रहे हैं कॉस्मेटिक की वजह से हो रहा है। और इनफैक्ट हम ही उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे, नहीं, वो तो हमें बता रहे हैं और उसके लिए दवा यहाँ की ले जाके आपके ऊपर ही थोप देंगे और उसे करोड़ों रुपए जो है ना उसमें कमाएंगे। हमें ऐसा होने की बजाय जो पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, अब ये बताइए, यदि हमें 64 करोड़ लूट दूध चाहिए तो 64 करोड़ दूध पैदा करना क्या कठिन काम है? वही तो चीज है सर देखिए देखिए, कि मैं बेटे इसको एकदम बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, यदि आपको 25 किलोमीटर जाना है और यदि आप प्रतिदिन 5 दिन चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे, तो 5 दिन में 25 किलोमीटर चल देंगे कि नहीं चल देंगे? बिल्कुल चल लेंगे और तो पॉसिबल भी है हमें ये। यदि 64 करोड़ लीटर दूध तो तब लग रहा है जब हमारे बच्चों को दूध नसीब ही नहीं हो रहा है, और जिनको नसीब नहीं हो रहा है वो ज्यादा लकी है, राइट? उन्हें कम हाँ से कम जहर तो नहीं पीना पड़ रहा है, राइट? हाँ तो यदि हम कहें कि हम अपने बच्चों को या हर व्यक्ति को एक मिनिमम एंटाइटलमेंट मानेंगे, तो हमें 64 करोड़ लीटर दूध नहीं बल्कि 120 करोड़ लीटर दूध चाहिए होगा, राइट? अब हमें 16 करोड़ लीटर से 120 करोड़ लीटर दूध की यात्रा करना है, तो ये कोई बड़ा रहस्यमय चीज नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी गायों की संख्या यहाँ बढ़ाना है और प्रेजेंट मॉडल के तहत कार्रवाई बिल्कुल नहीं करना है। हमें फॉरेस्ट एक्ट को जो है मॉडिफाई करके, लेट द फॉरेस्ट ऑफिसर शुड बिकम द फैसिलिटेटर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक हाँ शुड बिकम द ऑर्डर, वो और उनको जो वर्तमान पेड़ हैं उसके अलावा 4 तरीके के पेड़ वहां लगाकर, ट्रंचेज खोद कर, एक्वा कल्चर से लेके गायों का और शहद का सबका करते हुए, हाँ वी कैन इजीली टेक अवर जो है ना पॉपुलेशन ऑफ द काउज हाँ टू दैट लेवल, नंबर वन। नंबर टू जो है, कोई भी गाय कटना नहीं चाहिए, फॉर वेरी सिंपल रीजन, जो हाँ बिना दूध देने वाली गाय है वो जो है उसमें उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जो है जीवाणु हैं, जबकि दूध देने वाले गाय के उस पास केवल 1 ग्राम में 300 करोड़ है, राइट? तो देखा जाए तो जो माताएं जो होता गाय गौ माताएं दूध नहीं दे रही हैं वो सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। तो यदि हम उनको ही यूज करें, एक अच्छा सा वातावरण दें, वो खुश रहें, हम खुश रहें, और एकदम पूरा इकोसिस्टम बदला जा सकता है। ये हमें इकोसिस्टम लाना पड़ेगा। ये आज की कॉमर्शियल मानसिकता वाली जो है ना गौशालाएं नहीं चलेंगी। नंबर वन, गौशालाओं में जो गाय खाएंगी वो नेचर से क्रिएट करा के वहां खरीद के नहीं कराना है। कॉमर्शियल एंगल गायब हो जाना चाहिए, केवल प्रॉफिट 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 ही होगा, और हमारे बच्चों को सभी को अच्छा दूध अच्छा वो खाने को मिलेगा, और बाकी जगह भी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो जो आपका सीवेज बना हुआ है वो सीमेज नहीं बनेगा, वो आपका मैनवर की खदान हो जाएगी, एनर्जी की खदान हो जाएगी। आज वो लाइबिलिटी है, बदबू मारती, वहां की बदबू गायब हो जाएगी। और ऐसे ऐसे माइक्रोब पैदा कर लिए गए हैं
तो हमें हार्पिक की जगह वो मार्कोप डालना चाहिए, 24 घंटे के अंदर डिसइंटीग्रेट करके वो मैनुअर और मीथेन और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अभी सर लेकिन अप्रैल में प्रोडक्ट लॉन्च किया है जी जिसमें ये जो काऊ का यूरिन होता है उसका एक्सट्रैक्ट डाला है, नेजल स्प्रे है वो, माउथ और नेजल स्प्रे, तो ओके, उससे कंजेशन जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, अभी जो हम जैसे जो अभी आपको हो रहा है मुझे भी एमसीडी हो रहा है। जी हाँ उसमें इतना कारगर है वो, अभी मार्केट में नहीं आया है तो अभी हमने लेटेस्ट ही वो लॉन्च किया लेकिन है। मुझे हमको रिसर्च करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि रिसर्च बेस ना होने पे और कोई यदि गलत क्लेम करेगा तो उसे कंपनसेशन देना होगा उसको, उसके पर बहुत हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी लगना चाहिए, राइट? सो जो दैट जो है ये दुष्टता समाज से गायब होना बहुत जरूरी है। आज आपको जो समझ में ही नहीं आता है कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठा बोल रहा है। लोगों बिल्कुल सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए देके झूठे क्लेम के जो ना वीडियो बना के एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। यदि कोई बिल्कुल सेलिब्रिटी झूठा जो है ना वीडियो बनाएगी और वो यदि क्लेम गलत पाया गया तो उस सेलिब्रिटी को जो है ना से कंपनसेशन लगना चाहिए, सौ बिल्कुल गुना 100 करोड़ रुपए। हमारा पंचकव्य के नाम से है और जी दे हैव वेरी गुड सर R&D रिसर्च एंड, मतलब आप आएंगे हमें उस लेकिन पे बेटी रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए। हाँ हमें उस ज्ञान को कुछ जगहों पे सीमित रहने की बजाय हमें हाँ उसे जन आंदोलन में कन्वर्ट करके, और हमें ये प्रोडक्ट केवल इंडिया में अपने लोगों को स्वस्थ करने के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने आउटलेट अब हर जगह NRIs हैं, हम हाँ अपने जो है ना फ्रेंचाइज वहां खोल के इनके नेटवर्क से नहीं अपने नेटवर्क के माध्यम से बेचें और जिस भाव में अपन चाहेंगे उस भाव में बिके। और हमने इसमें एक सिस्टम निकाला है जिसमें जो प्रोड्यूसर है उसकी बिल्कुल आइडेंटिटी प्रोडक्ट के साथ टैग रहेगी जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता है, राइट? तो बीच मैम, के बीच फ्लिपकार्ट के बीच और के अमेजोन इन पर हम लोग कर रहे हैं कांटेक्ट जिससे कि ये नहीं, ये वही तो हम जो है ना हाँ अमेजन के और इन सब के बाप हम खुद बनेंगे। और उसका 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 जो तरीका ये होगा कि जो बीच के लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अमेजन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज। तो जो राइट भी प्लेटफॉर्म ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ही विल गेट द मनी फॉर वट एवर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। ट्रू तो इस तरीके से सभी लोग जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं तो दे विल गेट ओनली द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ऑफ इट, द प्रोडक्ट की ओनरशिप विल रिमेन ऑफ द प्रोड्यूसर, और जो फाइनल कंज्यूमर जो प्राइस देगा तो जैसे हाँ 1 MSP हम किसान को या प्रोड्यूसर को पहले दिन दे देंगे, राइट? और जो बची हुई जब फाइनली जो है ना जो कंज्यूमर है चाहे देश में बैठा हो या विदेश में बैठा हो उससे जो हाँ फाइनल पेमेंट होगा दैट विल गो टू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट ऑफ द फार्मर और प्रोड्यूसर। हाँ और हम फार्मर के खेत पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, आराम से 10-15 साल में वो सेटल हो जाएगा। ये देश बदल सकता है, केवल सोचने बिल्कुल वाला चाहिए। बिल्कुल ठीक ये बात है देश इसलिए गरीब है क्योंकि हमारे नेता नालायक हैं। उन्होंने हमारी जो 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 चीज टूट गई और जो तोड़ दी गई और जो उसमें आपको वो कर दिया है हम उसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं। मतलब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्हें लज्जा नहीं आई जब वो डी-लिट लेने गए तो 45 मिनट पर अंग्रेजों का ही जो ना गुणगान करते रहे। हाँ ये लज्जा का विषय है। ये इनको कुछ नहीं आता था। हम जो है राजीव दीक्षित जी का जो है एक उसमें उन्होंने पूरा बड़ा रिसर्च करके पूरा निकाला है और वो रिसर्च इज बेस्ड ऑन द लॉर्ड विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले की जो रिसर्च वर्क है उसके ऊपर बेस्ड है। तो जिस समय हमारे यहाँ पे शिक्षा 88% रिमोटेस्ट जगह पे जहाँ 88% सबसे कम थी वहां उनकी शिक्षा केवल 17% थी, और 7 दिन में केवल एक ही दिन स्कूल होता था वो संडे को, और उसमें भी केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल और आप ये बताइए ठीक हमारे सामने क्या सगुफा बनाया गया है कि वो बड़े महान हैं? है, सब डिफरेंट है सर, जो सच्चाई है और सगुपा वो सब डिफरेंट है। मैं भी 10 साल से कहीं ना कहीं व्यवस्था से बहुत त्रस्त हूँ। मेरा सर दो मेरे मोटिव है, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जरूर कि तो मैं फार्मा में रही हूँ शुरू से, मैं रिसर्च में और साइंटिफिक इसमें डिपार्टमेंट में भी रही हूँ। तो एक तो हेल्थ सर मेरा बहुत फेवरेट है और शुरू से मैंने हेल्थ में ही
अपना पूरा टाइम बिताया है, उसके बीच में ये आंदोलन वगैरह आए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, फिर दोबारा अपने काम पे लग गए। तो मैंने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं दिल्ली में। मैं इंस्टीट्यूशनल मैनेजर थी, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, हमारी कैंसर की मेडिसिन इंटरनल वो लोग इंटेंड होती थी, परचेज करते थे। तो कुछ टाइम बाद प्रमोशन हुआ तो उन्होंने मुझे साइंटिफिक ऑफिसर बना दिया, जिसमें ड्रग के बारे में हम लोग पेशेंट से काउंसलिंग करते थे, डॉक्टर से करते थे कि कितना पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है, क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो मैंने देखा कि अभी 10 साल पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट 5 साल पहले ही नहीं थी। तो अलग अलग राज्यों से यहाँ एम्स में आते थे पेशेंट, परेशान आते थे, सर्दियों में कपड़े नहीं होते थे और भटक रहे हैं, कोई हेल्प डेस्क नहीं है। तो उसी दौरान संस्था का हमने फॉर्मेशन किया, जो लोग पार्टी से खफा थे, आंदोलन के लोग थे, वो जुड़े थे। तो हमने संस्था का फॉर्मेशन करके कुछ अच्छे जो लोग हैं, जो रियलिटी में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सॉरी, उनका ग्रुप बनाया और ये हम करने लगे कि जो भी आता था उसको डायरेक्शन दिखाते थे। वहाँ एम्स में जेपी नड्डा जी थे, अपने स्वास्थ्य मंत्री, उनके वो थे पीए, मंत्रालय की तरफ से एम्स में एक व्यक्ति बैठता है जिसका कि बहुत हाई एटीट्यूड रहता था। वो थे तो सेवा के लिए, लेकिन मिलते किसी से नहीं थे। वो जैसे तैसे करके लोगों का हम लोग काम करवाया करते थे, उनका पैसा माफ, इलाज का करवाया करते थे। काफी सारे केसेस हमने करवाए हैं, कई लोगों का 24 घंटे में ऑपरेशन होना है, नहीं तो मर जाएंगे, तो दूसरे का हटाकर उनका, मतलब बहुत जद्दोजहद करी। तो उसके बाद फिर स्वास्थ्य में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया, शादी शुदी का आया, तो फिर अब शास्त्री आचार्य जी से मुलाकात हुई, तो संस्कृत से जुड़े थे, तो अब बाबा श्री से जुड़ गए हैं। तो थोड़ा ये आपने जो चर्चा की गुरुकुल व्यवस्था, और ये थोड़ा इसमें भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मेरा जो जो फेवरेट एरिया है, जिसमें मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, जिसमें मेरी पूरी टीम डेवलप है, जिसमें हम बाहर के भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हमारे पास बाहर से मरीज भी आ रहे हैं, उनसे हम लोग संस्था में हमने 22 सेल बनाए हुए हैं। बीच में कुछ दिक्कतें, जो दिक्कतें और रुकावटें आई वो कभी आप मिलेंगे तो वो अलग चर्चा का विषय है, तो जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। तो जरूर जरूर। 22 सेल बनाए हमने क्राइम, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प के लिए बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके की लेकर आए बार बार, कोई व्यक्ति। तो क्राइम, करप्शन, ये मीडिया, चाइल्ड राइट, वो डोमेस्टिक वायलेंस, ये ऐसे अलग अलग करके हमने 22 सेल बनाए। इसमें अभी लास्ट ईयर में हमने ब्लाइंड सेल एक बनाया, क्योंकि यहाँ काफी सारे ब्लाइंड लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, पेपर लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए, उनके एग्जाम्स लिखने के लिए हम लोग अरेंज किया करते हैं, जितना हम अभी भी कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों से हमारा मिलना लगातार चालू है, और थोड़ा कफ है इसलिए बोलने में नहीं, मैं थोड़ी महसूस कर रहा हूं कि दिक्कत आप तकलीफ में हैं और मुझे भी थोड़ा सा कफ है, है। लेकिन हाँ हम दोनों फिर भी जो है वी आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट, और नहीं, यही यही जो हाँ है ना वो होता है, जील होती है कि हमें ये करना ही है। वो इसीलिए सर कि हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। आप एक्टिविटी वगैरह देखेंगे तो हम लोगों के पास बाहर से भी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और ये बाबूजी की और विद्यानंद शुक्ला जी हैं, ऐसे कई काफी सारे व्यक्ति हैं जिनसे जी आपको आगे मिलवाया जाएगा, तो उन लोगों की प्रेरणा है। उनसे यही सीखा कि वो रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। विद्यानंद शुक्ला जी का एक बार मुझे खुद फोन आया था, और तब जी से वो जो है चुन चुन के हीरो से मेरी बात कराते हैं। तो आपके आपके बाबा अरे जी से जो बात कराई है वो हाँ वीएन हाँ शुक्ला जी ने ही कराई है। हाँ मैं अभी 8-10 दिन पहले ही आपके बारे में उन्होंने बताया था। जी हाँ, तो वो भी बहुत हमारे बिल्कुल परिवार के ही हैं, और जी सब
ना होते हुए परिवार के और उनसे ज्यादा मतलब वो रखते हैं, पिताजी भी बहुत उनसे सद्भावना रखते हैं, पिताजी की तरह मानते हैं। तो जी कहने का मतलब यही है सर कि हम लोग रेगुलर लोगों के टच में हैं, हम लोगों का डॉक्टर्स का एक अलग ग्रुप है। अब हम लोगों ने यहाँ मतलब एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोगों ने पूरी खिचड़ी पका के रखी हुई है। नहीं, अब और इस खिचड़ी को हम दो तरीके से क्यों यूज ना करें? एक तो यूज हाँ करें कि इस कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी तैयार करें, और ये स्ट्रेटेजी अपन इम्प्लीमेंट करेंगे 2024 में जब हमारे पास शक्ति होगी। तो हम इसमें नियम कानून से लेके हर चीज बना पाएंगे, और हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल जो है रेडी हैं जो कि हम बिना शासन के खर्च के क्राइम फ्री भारत के ही बैनर में ये बहुत सारे काम करा पाएंगे और सरकार पे भी बोझ नहीं आएगा। ऐसे मॉडल ऑलरेडी सोचे समझे परखे पड़े हुए हैं, उन्हें बिना किसी दिक्कत के 3 या 6 महीने के थोड़ा सा जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आदि करा के उन्हें बड़ी आसानी से जमीन पे उतारा जा सकता है। मैं सर थोड़ा सा और शेयर करना चाहूंगी आपसे कि जी आपकी जो रूपरेखा है ना उससे मिलती जुलती ही है मेरी, और ये जो आम आदमी पार्टी हम लोग दिल्ली में सरकार बना के बैठे हैं तो बिटिया, मैं थोड़ा इसमें सा इंटरवीन कहूं, मैं उनको शुद्ध देशद्रोही और बहुत घटिया आदमी मानता हूं। बिल्कुल सर बिल्कुल है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि जी आप हजारों लोगों की पार्टी बन गई, जल्दी राष्ट्र पार्टी भी बन जाएगी सर। आप अब तो बनी गई, वो तो 12% वोट मिल गए हैं उसे। उसमें हाँ कुछ लोग मजबूर हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और बीजेपी इतनी बड़ी हो चुकी है मतलब वो कहीं और तो जा ही नहीं सकते, लेकिन वो लोग अच्छी भावना रखते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस दिन प्लेटफॉर्म आ जाएगा, मैं आपसे सर मुझे ऐसा विश्वास है कि वो लोग वहीं आएंगे। नहीं, तो अभी आप देखिए क्राइम फ्री भारत मिशन एक पार्टी नहीं, ठीक है ना? ये इट इज ए मिशन, आप राइट? बिल्कुल प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं सर, पार्टी की तो हम किसी से बात ही नहीं करते, हाँ, हम नहीं वोट मेरा भी कहना, नहीं नहीं करते नहीं मेरा कहना ये उनको। है, लेकिन हमें यदि इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को हराना है बेटे, तो हमें वही कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना होंगी। वर्तमान नियम कानून पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ही इन राजनेताओं को पराजित करना होगा, राइट? बस बस सर वही चीज, आपकी ये चीजें स्ट्रांग है, हर कोई अपने अपने एरिया में अलग अलग एरिया में स्ट्रांग है। मैं जो स्ट्रांग हूँ, आई एम अ मोबाइल पर्सन, मुझसे मुझे दिल्ली में 270 विधानसभाएं हैं, 10 बोर्ड हैं, गली कौन सी है, चप्पा चप्पा कौन सा है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है, तो मैंने इतना काम किया है कि मुझे पूरी दिल्ली NCR का आइडिया है, मैं उस चीज में स्ट्रांग हूँ। बाबूजी का अपना अलग एरिया है। आप सर लीगली बहुत स्ट्रांग हैं, आप वर्बली बहुत स्ट्रांग हैं, तो ऐसे ही लोगों की जो उनके आइकन्स हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो निकाल निकाल के, अभी क्या है कि जो 22 सेल बनाए थे तो जैसे मीडिया से कोई हमें अच्छा व्यक्ति मिला, उससे हम सेपरेटली मिले, या फिर उसके विचार हमने जाने, जिस तरीके से आपसे बात हुई थी, बाबूजी की हुई, बाबूजी ने मुझे बताया आपके बारे में, तो हम लोगों के विचार मिले, उसी जी तरीके से हम लोगों ने भी लोगों से मीटिंगें की, कैफे हम में सीपी में की, सीपी में बैठे, पार्टियों में बैठे, गोपाल राय जी से और इनसे मनीष सिसोदिया से हमारे अच्छे रिलेशन थे, तो उन्हीं के यहाँ हम बैठकर हम लोग मतलब अदर पार्टियों के लोगों को बुलाकर बात करते थे, क्योंकि हम उनकी पार्टी के नहीं, हम गैर गैर राजनीतिक लोग हैं, तो इस तरीके से हमने वो एकमत वाले लोग चुने हैं। अभी क्या है, लोग तो हैं हमारे पास, लेकिन मशक्कत यहाँ है कि सॉरी, आप और बाबूजी, आप बेटे थोड़ा पानी ले लें। हाँ हाँ पानी है, दवाई है, लेकिन वो मुझे लगता है कि अभी जब तक ये हवा वाली या ये हाँ एटमॉस्फेयर हवा वाला रहेगा ऐसे ही रहेगी। एलर्जी इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। आप ठीक कह रहे हैं बेटे। हाँ, माई थर्ड थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज रनिंग,
तो मैं कोई इससे मेडिसिन भी नहीं ले सकती सर, नहीं नहीं वो तो ठीक तो बात है, यू हैव टू टेक दोज प्रिकॉशंस बिकॉज बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ वही चीज है सर। अभी 15 जनवरी का है ड्यू डेट, जी जी अभी जी समय नजदीक है तो कुछ दिनों की और है परेशानी। जी 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 तो मैं वही कह रही थी सर कि ये लोग हैं, अभी एक काम कर लिया जाए कि कुछ लोगों को बुला के, 7 जनवरी को एनुअल फंक्शन है, जब स्थापना की थी गरम नेशनल की जी तो स्थापना दिवस है, जी तो कुछ लोगों को, कुछ क्या सारे ही लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाए, जी जितने भी लोग आए, तो एक आपकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाए हाँ कर दिया जाए, मेरे ख्याल से 7 तारीख तक मैं आ जाऊंगा। मैं जो है ना अपना प्लान उसी तरीके से बना लेता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में सरकार बनाकर बैठे हैं वो गलत लोग सही, लेकिन 5 एकमत के लोग मिल गए थे, वो तभी ये कर पाए। तो सारा खेल सर उसी का ही है कि आप जैसे, अगर आपको 5 और मिल जाते हैं, 10 और मिल जाते हैं, मैं बस यही चाहती हूँ, मैं इसमें जरिया रहना चाहती हूँ कि एक चीज हम लोग बिगाड़ कर बैठे हैं अभी जो बेटे ये ये। चीज जो हाँ बिगड़ी हुई है, इंक्लूडिंग जो हमारे संस्कार या हमारी सोच गड़बड़ा गई है, हमारा डीएनए खराब हो गया है, हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि 90 दिन में इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो 90 दिन बहुत छोटा समय है, हमारे बिगड़े हुए डीएनए ठीक हो जाएंगे। जैसे मिट्टी 1 साल में फिर से 0.3 ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट से 0.9 तक, 0.8 0.9 तक 1 साल में ही पहुंच जाएगी। तो इसमें रोने की बजाय वो उपाय करके हम चीजों को जमीन पे उतार दें। अब ये दुष्ट लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चरित्र में वो दृढ़ता नहीं है। अब वो जो है ना सब कुछ जानते हुए वो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पे अभी भी सब्सिडी देंगे। मैं वही तो कह रही हूँ सर कि हाँ इन्होंने शुरुआत में, मैं जुड़ी थी तो इन्होंने सील खोदने वाला काम किया ना, गुप्त रूप से काम किया, तो हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। जी 5 5 या 10 लोग जो मेन लेवल पर हर चीज के, इन्होंने 3 लेवल बनाए थे। फ्रंट जी लेवल था ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण वाला। सेकंड लेवल था ये गोपाल राय, उनसे भी छोटे नेता। थर्ड जो लेवल था वो कभी पर्दे के बाहर आए ही नहीं, वो हम जैसे लोग थे। बेटे, हम तो तो एकदम इसका उल्टा कह रहे हैं। जो पर्दे के पीछे वाला लेवल है वही रियल हीरो है, राइट? वही जो जो लोगों रिसेल को समझाएगा, जो लोगों को जोड़ेगा, हम उसे ही चंद्रगुप्त क्यों ना बना दें? है, लेकिन शुरुआत तो बहुत सीक्रेटली करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, कोई एक सीक्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब जो है चारों तरफ जो है ना पानी गिरता है तो कोई सीक्रेट गिरता है, चारों पूरे तरफ जगह दुनिया पे गिरने लग जाता है, सब जगह गिर जाता है। तो ये तो नेचर की बरसात है, बदलाव की बरसात है। हमारे हमें जो है ना ये सब काम 2024 तक करना है। इस बारे में ये